चक्रवर्ती सम्राट वीर विक्रमादित्य के जन्म को लेकर इतिहासकारों के मध्य कई मतभेद हैं, फिर भी इस प्रकार की मान्यता है कि उनका जन्म आज से करीब 2300 वर्ष पूर्व हुआ था। नाभोवाहन के पुत्र राजा गंधर्वसेन भी चक्रवर्ती सम्राट थे। गंधर्वसेन को महेंद्रादित्य भी कहा जाता था। इनकी 5 पत्नियां मल्यावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चेल और चिल्लमहादेवी थी। रानी मदनलेखा को वीरमती और सौम्यदर्शना भी कहा जाता था, जो कि विक्रमादित्य की माता थी। विक्रमादित्य के भरतहरि, शंख एवं अन्य भाई के अलावा एक बहन मैनावती भी थी। मैनावती का विवाह धारानगरी के राजा पद्मसेन के साथ हुआ था। मैनावती का पुत्र गोपीचंद था, जिन दोनों माता पुत्र ने योग दीक्षा ले ली थी। सम्राट वीर विक्रमादित्य का जन्म लगभग 102 BC हुआ था, जिन्होंने भारत की प्राचीन नगरी उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठकर लगभग 100 सालों तक राज किया और ईसवी सन 15 में उनकी मृत्यु हुई थी। राजा विक्रमादित्य बड़े ही पराक्रमी थे, साथ ही वे अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार के नवरत्न ही उनकी शान थे। सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता की जानकारी और कष्ट निवारण हेतु वे वेश बदलकर नगर करते थे। इतिहास में सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक माने जाने वाले सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य में न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कार्य करते थे। कहा जाता है कि पहले विक्रमादित्य के भाई भरतहरि राजा का शासन था, जिनके शासनकाल में शकों का आक्रमण हुआ था। उस समय विक्रमादित्य ने शकों का सामना किया और उन्हें संपूर्ण एशिया से ही बाहर खदेड़ दिया था। विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त कर विश्व के प्रथम कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत की थी। बाद में राजा भरतहरि ने वैराग्य धारण कर राज्य का त्याग कर दिया था। राजा भरतहरि के पुत्रों ने भी जब राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया, तब विक्रमादित्य ने ही राज सिंहासन संभाला। राजा विक्रमादित्य ने भारत की भूमि को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए वृहत अभियान चलाते हुए अपनी सेना का पुनर्गठन किया। उनकी सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बन गई थी, जिसने भारत की सभी दिशाओं में एक अभियान चलाकर भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त कर एक छत्र शासन कायम किया था। राजा विक्रमादित्य ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, जिसके बाद वे चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का युग इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। कहा जाता है कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का साम्राज्य वर्तमान भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, इराक, ईरान, कुवैत, तकी, मिस्र, अरब, नेपाल, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, रोम तक विस्तारित था और इसके अलावा अन्य कई देश संधिकृत थे। सम्राट विक्रमादित्य पहले राजा थे जिन्होंने अरब पर विजय प्राप्त की थी। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के शासन का वर्णन भविष्य पुराण एवं स्कंद पुराण में भी मिलता है। प्राचीन अरब साहित्य में भी सम्राट विक्रमादित्य के शासन का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि प्रसिद्ध अरबी कवि जरहाम तिनतोई ने भी अपनी पुस्तक सायोगुरोकुल में सम्राट विक्रमादित्य की अरब विजय का उल्लेख किया है, जो पुस्तक तुर्की इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब सुल्तानिया में आज भी सुरक्षित होना बताते हैं। कहते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य रोम के राजा जूलियस सीजर को युद्ध में हराकर बंदी बनाकर उज्जैन में लाए थे। राज दरबार में नवरत्नों को नियुक्त करने की परंपरा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने ही प्रारंभ की थी। उनके दरबार में धन्वंतरी, शपनिक, अमरसिंह, शंकु, बेताल भट्ट, भट्टखरपत, कालिदास, वराहमिहिर और वरुचि नवरत्न थे, जो उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, राजनीतिज्ञ, आयुर्वेदाचार्य, गणित एवं विज्ञान के प्रकांड विद्वान एवं अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के राज दरबार की शान थे। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य तब तक भोजन नहीं करते थे जब तक कि उनकी प्रजा भोजन न कर ले। उनकी वीरता, न्यायप्रियता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों की अनेकानेक गाथाएं भारतीय साहित्य के कई भाषाओं के ग्रंथों में वर्णित है। यह भी कहा जाता है कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता से प्रभावित होकर देवराजेंद्र ने उन्हें 32 पुतलियों वाला एक भव्य सिंहासन भेंट में दिया था, जो पश्चात में करीब 1100 वर्ष बाद इन्हीं के वंशज राजा भोज को मिला था। सिंहासन 32 के बारे में एक कथानुसार राजा विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, जिनके न्याय की परख के लिए देवराजेंद्र ने उन्हें बुलाया। वहां उनकी सभा में 2 अप्सराओं रंभा और उर्वशी के मध्य नृत्य की प्रतियोगिता थी, जिसमें राजा विक्रमादित्य को श्रेष्ठ नर्तकी का निर्णय देना था। राजा विक्रमादित्य ने दोनों अप्सराओं को एक एक पुष्पगुच्छ दिया और पुष्पगुच्छ पर एक एक बिच्छू रखकर दोनों अप्सराओं से कहा कि नृत्य के समय पुष्पगुच्छ सीधे ही रहना चाहिए। ब्रह्मा ने जैसे ही नृत्य करना प्रारंभ किया, बिच्छू ने उसे काट लिया, तो ब्रह्मा ने पुष्पगुच्छ फेंक कर नृत्य बंद कर दिया। वहीं दूसरी ओर उर्वशी ने नृत्य प्रारंभ किया। उर्वशी द्वारा अति सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे बिच्छू को कोई कष्ट नहीं हुआ। राजा विक्रमादित्य ने उर्वशी को श्रेष्ठ नर्तकी होने का निर्णय दिया। राजा विक्रमादित्य की बुद्धि और विवेकशीलता से देवराजेंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा विक्रमादित्य को 32 बोलने वाली मूर्तियों से युक्त सिंहासन भेंट किया। समस्त ब्रह्मांड में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात ये मूर्तियां अभिषिक्त थी और इनका श्राप किसी चक्रवर्ती राजा के न्याय से ही कट सकता था।
इन मूर्तियों के अपने नाम क्रमशः रत्नमंजरी, चित्रलेखा, चंद्रकला, कामकंदला, लीलावती, रविभामा, कौमुदे, पुष्पवती, मधुमालती, प्रभावती, कीर्तिमती, सुनैना, सुंदरवती, सत्यवती, विद्यती, तारावती, रूपरेखा, ज्ञानवती, चंद्रज्योति, अनुरोधवती, धर्मवती, करुणावती, त्रिनेत्र मृगनयनी, वैदेही, मानवती, जयलक्ष्मी, कौशल्या, रानी रूपवती थे। राजा विक्रमादित्य की गाथाएं कई भाषाओं की कहानियों में मिलती है, जिनमें विक्रम बैताल और सिंहासन बत्तीसी की कहानियां अति रोचक और ज्ञानवर्धक है। बैताल पच्चीसी की 25 कहानियां और सिंहासन बत्तीसी की 32 कहानियां रोचक और न्यायपूर्ण कहानियां हैं। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा थे। हमारा सनातन धर्म आज राजा विक्रमादित्य के ही कारण बचा हुआ है। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का शासनकाल रामराज्य के बाद सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, जहां राजा और प्रजा दोनों ही धर्म पर चलने वाले थे। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्म शास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय, राजकाज सब कुछ धर्म शास्त्र के नियमों पर चलता था। उन्होंने केवल धर्म ही नहीं बचाया, बल्कि उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर भी सुदृढ़ बनाया। उनके शासनकाल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। भारत में उस समय प्रचुर मात्रा में सोना आ गया था। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य स्वर्ण मुद्रा प्रचलन में थी। उनके शासनकाल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर एक रुपए का भी कर्ज हो। राजा विक्रमादित्य एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा का कर्जा खुद चुकाया हो। न्यायप्रिय चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के दरबार से कभी भी कोई निराश नहीं जाता था। हमारे ऐसे महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को हम शत शत नमन करते हैं।